स्टार प्लस के शो शादी मुबारक के लेटेस्ट ट्रैक के अनुसार केती और प्रीति ने अपनी ही शादी के पीछे की वजह जानने के लिए नंदिनी के खिलाफ योजना बनाई, जहां दुर्भाग्य से नंदिनी को उसकी योजना और साजिश का पता चल जाता है और इस तरह वो उसकी साजिश में शामिल हो जाती है। जहां नंदिनी के पति रवि जो केती के दोस्त थे और वहीं नंदिनी के पति के सुसाइड के बाद उससे शादी का वादा किया था, लेकिन उसे शादी न करके केती ने प्रीति से शादी की। इसीलिए अब नंदिनी केती से बदला लेना चाहती है क्योंकि उसने उसके साथ में विश्वासघात किया और इसीलिए अब वो नंदिनी को भी मौत के घाट उतारना चाहती है, जिसने उसे पहले ही प्लानिंग कर रखी है। जहां प्रीति को इस सब के बारे में पता चलता है कि वो केती को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लगता है इस बार बहुत देर हो चुकी है। जी हां, नंदिनी ने केती को एक सुनसान बिल्डिंग से मिलने के लिए बुलाती है, जहां वो उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। तो क्या केती का ट्रैक खत्म हो जाएगा? क्या होता है शो में आगे? ये सारे ट्विस्ट, सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।